ज्यादा भीड़ है उस हॉस्पिटल में, और मैं तो वापस से गाड़ी में आ गया हूँ। ये हमारे घर की पहली मेंबर है जिसके साथ मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। अभी हम रुके हैं एनन माता में। ये रहा गाइस एनन माता मंदिर। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। और ये एरिया थोड़ा सा डिफरेंट सा है, ये सिनेरियो थोड़े से डिफरेंट से है। क्यों? क्योंकि हम आए अपनी सिस्टर के पास। काफ़ी मस्त सुंदर सा एरिया है ये, लेकिन फिलहाल आज हम जा रहे हैं पठानकोट, तो निकलते हैं। आज हमारे साथ जा रहे हैं जीजा जी और उनके पापा और साथ में ज्योति। आपको उनसे भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे, लेकिन हाँ रास्ते में मुझे नहीं लगता कि मुझे टाइम लगेगा व्लॉग बनाने का। फिलहाल आपको जो है वो मेन डेस्टिनेशन पे मिलते हैं, अगर हाँ बीच में कहीं रुके तो वहाँ पे भी आपसे रूबरू होते हैं यार। गाइस फाइनली हम पठानकोट पहुंच चुके हैं और गाड़ी हमने पार्क कर दी है। बाकी जीजा जी और दीदी जो हैं वो हॉस्पिटल गए हैं, तो जैसे ही हॉस्पिटल का काम होता है फिर देखते हैं, वहाँ पे जाते हैं जैसे काम होता है, फिर उसके बाद मिलते हैं आपको। यार अंदर रश ही बहुत है, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ है उस हॉस्पिटल में, और मैं तो वापस से गाड़ी में आ गया हूँ। एंड यहाँ पे यार गर्मी बहुत ज़्यादा है। हमारे साइड तो अभी रजाइयों पे काम आ गया, मतलब हमने रजाई वगैरह लेना शुरू कर दिया है, इतनी ठंड है पहाड़ों पे। मतलब पहाड़ों पे ये है कि अब ना बंदा धूप में गाड़ी लगाना शुरू कर देता है। और यहाँ पे ना पहले मैंने इस तरफ लगाई हुई थी, लेकिन वहाँ पे ना भाई बहुत ज़्यादा धूप है, तो दोबारा से मैंने मोड़ के इसको इस तरफ लगाया है। गाँव वासी कहीं के क्या करें भाई, गर्मी बहुत है इतनी, जूते उतारने पड़ गए, पैर पूरे के पूरे उबल रहे हैं। तो गाइस फाइनली हम जो हॉस्पिटल से निकल चुके हैं, और ये रही हमारी प्यारी बहना, और बहना को अलग ही काम पड़े हुए हैं दवाइयों के। तो बाकी जो है वो सामान वामान लेने गए हुए हैं। गाइस टमाटर खा लो गाइस। गाइस लोग टमाटर नहीं खाते ना, वो टमाटर निकाल के फेंक देते हैं ना, उनमें से एक ये भी थी तो अब गाइस ये हमारे घर की पहली मेंबर है जिसके साथ मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। बाकी तो दोस्तों के साथ इधर उधर बना रहा था। हाँ तो बाकी फैमिली वाले ब्लॉग्स भी हम लाएंगे अब जल्दी, देखते हैं। फिलहाल ये देखो गाइस इतना बड़ा ट्रक गाइस। ये हमको सुझाव दे रही है कि चैलेंज वाली वीडियो बनानी है, तो आप कमेंट में बताओ कि मैं चैलेंज वाली वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं। मैं भी काफ़ी दिनों से सोच ही रहा था यार कि चैलेंज वाली वीडियो बनाता हूं, मतलब उनको बनाने में ना मज़ा आता है थोड़ा सा। हमारे जीजा सरी आ चुके हैं और जा चुके हैं। क्या हुआ? आते भाग गए गाइस, शर्मा गए। नहीं गाइस सामान लाने के लिए बुला रहे हैं, सामान डिक्की में डालना पड़ेगा ना, तो शर्मा थोड़ी ना गया। कौन वाली? एक लाइन। अच्छा गाइस ये देखो, एक से गाइस सारा सामान वामान ले लिया है, अब चलते हैं सीधा आगे। गाइस ट्रैक्टर ले लो, गाइस ट्रैक्टर ले लो गाइस। टाना ना तो गाइस उधर सुपर बार गेनिंग चल रही है। सो गाइस फाइनली वी आर नियर टू द होम, अभी नैनीखेट में पहुंच चुके हैं। एंड इनको थोड़ा सा काम है तो बाकी वो बाजार गए हैं, हम अभी यहां पे उनका वेट कर रहे हैं, तो जैसे वो आते हैं फिर चलते हैं आगे। तो गाइस अभी हम रुके हैं एनन माता में, और ये लगभग इसके ना तीन रास्ते हैं मुझे लगता है, एक खैरी से आते हुए, एक बनीखेत से आते हुए, एक नैनीखेत से आते हुए। तो यहाँ का व्यू बहुत ज़बरदस्त है, एक बार आप यहाँ से चेक करें गाइस, जो सबसे सुंदर व्यू यहाँ का। ओए होए 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 क्या मस्त व्यू है। मैं पहले भी आया हूँ यहाँ पर, ये गाड़ी ली थी ना जीजा ने, तब पूजा करवाने आए थे। ये है गाइस मंदिर, और मंदिर फिलहाल अभी बंद है। सर एक्चुअली ना मैं सिर्फ एक बार सिर्फ आपको इसका व्यू दिखाने के लिए रुका था, बाकी हम जो थोड़ा सा लेट हो गए हैं, हमें घर पे भी थोड़ा सा काम है तो इसलिए हम निकल रहे हैं। लेकिन बाहर से इसका व्यू जो मतलब झरना सा बहता है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है।
तो जस्ट वेट अ सेकंड, मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल सनसेट कितना मस्त हो रहा है। ये रहा गाइस एनन माता मंदिर, और इसका ये वाला व्यू सबसे प्यारा है। तो आई होप फिर कभी यहाँ पे जरूर आएंगे। तो फिलहाल चलते हैं यहाँ से।